हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के ब्लूटूथ रिपेयरिंग। आज हम रिपेयर कर रहे हैं एप्पल का एयरपोड्स, जिसका एक साइड काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड, जिस पे क्रॉस बना है वो काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे खोल देते हैं। ये हमने खोल दिया इसे, अब हम इसकी बैटरी बाहर निकाल देते हैं। ये हमने इसकी बैटरी बाहर निकाल दिया है, अब हम इस बैटरी के ऊपर की जो प्लास्टिक है इसको निकाल देते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको 20 वोल्ट पे सेट करना है और फिर चेक करना है। ये हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बैटरी का वोल्टेज 1 और 2 दिखा रहे हैं, मतलब ये कुछ भी चार्ज नहीं है, बैटरी ख़राब हो चुकी है लगता है। स्पीकर भी चेक कर लेते हैं, इनकेस की स्पीकर भी बंद रहता है कभी कभी। फ्रेंड्स, स्पीकर चालू है, मल्टीमीटर रीडिंग शो कर रहा है, मतलब स्पीकर चालू है। अब हम इसकी बैटरी अलग कर लेते हैं। ये हमारी नई बैटरी है, अगर इसकी बैटरी ख़राब रहेगी तो हम इसकी बैटरी को रिप्लेसमेंट में ये बैटरी लगा सकते हैं। अभी हमें सर्किट चेक करने के लिए हम इसके स्पीकर का वायर और सेंसर वायर अलग करना रहेगा। ये हमने स्पीकर के वायर अलग कर लिए हैं, और ये हमारा सेंसर वायर, इसको भी हम अलग कर लेते हैं। अब हम इस सर्किट को चेक कर लेते हैं, या सर्किट में प्रॉब्लम था या बैटरी में। ये हम सर्किट की डिज़ाइन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मल्टीमीटर है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर चेक करते हैं, इसके अंदर कहीं कुछ प्रॉब्लम है या आईसी में प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं मल्टीमीटर रीडिंग शो कर रही है।
ये हमारी पावर आईसी है और ये हमारा चार्जिंग पॉइंट का पॉइंट है और ये हमारा चार्जिंग आईसी है। फ्रेंड्स ये हमारी सर्किट एकदम ओके है, मल्टीमीटर देख लिया हमने। अब फ्रेंड्स हमें इसको पैक करना है और नई बैटरी रिप्लेसमेंट करना है और ये चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। अगर आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो रेड कलर की बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर देना। ये हम थोड़ा सा शोल्डर लगा देते हैं जिससे ये शोल्डर जल्दी कनेक्ट हो जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका सेंसर ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा सेंसर वायर ज्वाइंट हो गया है। अब हम स्पीकर का वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमारा स्पीकर का वायर भी एक साइड कनेक्ट हो गया है। अब हम दूसरे साइड के स्पीकर का वायर कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा दूसरे साइड भी स्पीकर का वायर कनेक्ट हो गया है। अब हमें जो हमारी नई बैटरी है उसको अटैच करना है और ब्लूटूथ चालू हो जाएगा। ये हमने बैटरी का नेगेटिव साइड कनेक्ट कर दे रहे हैं, पॉजिटिव साइड कनेक्ट हो गया है। अब फ्रेंड्स हमें ध्यान से इसको अंदर डाल के बंद कर देना है, इस डब्बे को पैक कर देना है जिससे हमारा ये एकदम ओके हो जाएगा। वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कहीं भी इसमें स्क्रैचेस नहीं आए हैं। फ्रेंड्स ये हमारा ओके हो गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स हम डालते हैं, हमारा लाइट डिम हो रहा है, मध्य चालू हो गया। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।